गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवनंदन बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। मेरे यूट्यूब चैनल DNM टेक्नोलॉजी सपोर्ट पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आप लोगों को बहुत दिनों से एक रिक्वायरमेंट आ रहा है कमेंट पे, जो हम लोग ये प्रोग्रामर यूज करते हैं RT809F का, और ये जो इसका विंडो है इसमें एक ऑप्शन रहता है जो एक्टिवेट नहीं रहता है, जो टूल चेन का ऑप्शन होता है। आप लोगों को पता है, ये मैं दिखाऊंगा प्रोग्रामर का, ये जो विंडो है इसका राइट साइड में रहता है टूल चेन का एक ऑप्शन, और इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं जो एक्टिवेट नहीं रहते हैं, जिसको एक्टिवेट करना है। मतलब ये 8809F एप्लीकेशन के अंदर टूल चेन को कैसे एक्टिवेट करना है, और उसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ड्राइवर इसमें, जो सिक्योर CRT होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, जो हम लोग जो एंड्रॉयड बोर्ड में मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, जो टर्मिनल होता है USB टर्मिनल, सीरियल USB टर्मिनल होता है, सीरियल टर्मिनल होता है, उसको हम लोग मैक्सिमम काम पे लाते हैं। तो ये सिक्योर CRT कैसे इसमें इंस्टॉल होता है, टूल चेन कैसे इसमें इंस्टॉल होता है, ये पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा, पूरा डाउनलोड करते हुए कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ये पूरा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक बार बताऊँ, क्या जिन्होंने मेरे चैनल को इतना दिन से देख रहा है, बहुत सारे ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखा है, और मैं चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे चैनल में कितना इन्फॉर्मेशन रहता है मेरे वीडियो के अंदर, शायद आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोगों को अगर फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि आप लोग हम लोग का वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं देखते हैं, इसमें हम लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट मिसिंग हो जाते हैं। हम लोग फ्री में यूट्यूब में आप लोगों को देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लेके देखिए वीडियो, 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा तो टाइम देना है, तो आप लोग थोड़ा टाइम देके देखिए और तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि LCD LED रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सारे के सारे जितने टाइप का फॉल्ट फाइंडिंग होता है सब कुछ फॉल्ट फाइंडिंग, और जितना अपडेट हो रहा है सबका मैं धीरे धीरे करके देता रहूँगा आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और एक छोटा सा न्यूज, एक मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मेरा अगला एक बिहार का पटना में एक मेगा सेमिनार होने जा रहा है, जो इसी महीने का मई महीने का 20, 21, 22 तीन दिन का ट्रेनिंग सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे पूरा चीप लेवल का अपडेट ट्रेनिंग मिलेगा आप लोगों को। मतलब जिन्होंने साइज से काम सीख के काम करना चाहता है, खुद का इंटरेस्ट लेके, ये ट्रेनिंग में सिर्फ उन्होंने ही आई है, जिन लोगों का काम पे इंटरेस्ट है, सीखने का इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स में ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है आप लोगों को पता है, और मेरे ग्रुप से आप लोगों को कैसे सपोर्ट मिलता है ये भी आप लोगों को पता है, जिन्होंने मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग इसी मई का 20, 21, 22 होने जा रहा है, और इसमें सभी मेंबर का फुल एकोमोडेशन भी मौजूद रहता है, रहना खाना सोना पीना सब कुछ रहता है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं आता है, सिर्फ आप लोगों को आना है सेमिनार हॉल तक। और ज़्यादा डिटेल्स अगर चाहिए तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आज करीब शायद 10 तारीख हो गया है और बीच में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, इसी मई महीना का 20, 21, 22 तीन दिन का ट्रेनिंग है, 19 तारीख शाम को अंदर सबको पहुँचना है सेमिनार हॉल पर, और उसी दिन से ही रहना खाने का बंदोबस्त रहता है 4 नाइट और 3 डेज का। तो चलिए मैं अभी शुरू कर रहा हूँ कैसे ये टूल चेन को एक्टिवेट करता है और सिक्योर CRT कैसे
लाना पड़ता है। सिक्योर सेट भी रहता है, उसके साथ साथ हेक्स एडिटर रहता है, हाई टूल रहता है, बहुत कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रहता है जो अभी एक्टिवेट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये RT809F का जो विंडो है ये खुला हुआ है, और ये नॉर्मल एप्लीकेशन जो मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो में इसका काम कैसे करता है और सॉफ्टवेयर रीड राइट कैसे करना है ये सब दिया हुआ है। तो अभी आ जाता हूँ सीधा सब्जेक्ट पे, जो टूल चेन ऑप्शन अभी इधर देख रहा है, ये टूल चेन का है, इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद देखिए यहीं पे कुछ स्लाइड दिया हुआ है और सब यहाँ पे ओपन है, किसी में कुछ एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ नंबर दिया हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 इधर 17 और 18 से शुरू करके 33, इतना सब अभी ब्लैक। तो इसको अभी सब ये फिलअप करना है, तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। तो अभी का जो प्रोसेस है ये थोड़ा ध्यान में देखिए और पूरा देखिए, कहीं पे भी मिस मत कीजिए। ये पहले आपको ये क्रोम ब्राउज़र खोलना है और ये गूगल पे आपको सर्च करना है RT809F टूल चेन डाउनलोड, आप लोग शायद देख पा रहा है। और यहीं से आपको ऊपर में जो साइट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन होगा, और यहीं पे आप देख सकते हैं यहीं पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये टूल चेन RT809F इंग्लिश Part 1, ये Part 2 और Part 3, ये देख सकते हैं ये Part 1, Part 2, Part 3, ये तीनों को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। ये 100 MB का, ये 100 MB का और ये 79.42 MB का, ये तीनों को डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये गूगल से आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, या तो आप लोग अगर डाउनलोड ना कर पाए तो हम लोगों के पास टेलीग्राम पे मौजूद रहते हैं, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद ऐसा डाउनलोड फोल्डर में ये देखिए तीन, ये Part 3, Part 2, Part 1 ऐसा ये रेयर फाइल में रहता है, तो ऐसे डाउनलोड कर लेना है। अभी ऑनलाइन पे कुछ नहीं करना है, सीधा आपका जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहीं पे चला जाना है। ये माई कंप्यूटर है, इसमें जाने के बाद ये डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड और यहीं पे आपको देखना है कहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। ये देखिए तीन जो रेयर फाइल है यहीं पे दिखाई दे रहा है, Part 1, Part 2, Part 3, ये रेयर फाइल होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर पहले डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए ये टूल चेन का ये एप्लीकेशन आ गया, इसको अभी इंस्टॉल करना है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, ये इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस। ये DRT809F यहीं पे, ये चाइनीज़ में है लेकिन इधर साइड में ये ओके है, ये अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। और यहीं पे देखिए ये चाइनीज़ में है, ये फर्स्ट वाला नहीं, ये सेकेंड वाले को क्लिक करना है, ये येस टू ऑल है। ये ऐसे इंस्टॉलेशन चलेगा, ये जब तक चल रहा है मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ये अभी प्रोसेस चल रहा है, ये चलते चलते पूरा कंप्लीट होगा। और ये इसके बीच में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग, जो आज तक मैंने कभी पूछा नहीं आप लोगों से, कि आप लोग बहुत दिनों से मेरे चैनल को प्यार से देख रहा है, बहुत सारे कॉमेंट भी कर रहा है और मेरे चैनल को फॉलो भी कर रहा है, तो मैं आज सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या आप लोगों को मेरे जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को कैसा लगते हैं, और ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है कि नहीं, कुछ आप लोगों का काम पे आया है कि नहीं, थोड़ा आप लोग अगर मैसेज करके बताए, मतलब कमेंट पे अगर बताएगा तो मुझे और भी इंटरेस्ट आएगा। जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा बताए, जिसको
अच्छा नहीं लग रहा है वो ना बता सकते, कुछ दिक्कत नहीं है। सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा इसका भी कुछ गारंटी नहीं है, तो जिसको जैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो हम लोग ये जो टूल चेन ऑप्शन और ये जो सिक्योर सेफ्टी है, ये हम लोग एंड्रॉयड बोर्ड के साथ हम लोग बातचीत करने का एक तरीका होता है, जो सीरियल कम्युनिकेशन टर्मिनल होता है, इसमें हम लोग बोर्ड के साथ इस ऐप्स के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग बाहर से जैसे इसमें कमेंट देते हैं, बोर्ड उसी के हिसाब से चलते हैं। और जो करने के लिए हम लोगों को एक प्रोसीड्योर मेंटेनेंस करते हैं, कंसोल मोड पे जाना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग जो बताते हैं, जो कमेंट देते हैं, बोर्ड उसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत काम का चीज़ है, जिसके लिए अभी सभी ने रिक्वायरमेंट की है। तो देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अभी पार्ट टू को खोलना है, इसको भी इंस्टॉल करना है। एक एक करके तीनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ये खुद पे खुद जो जहाँ पे डी ड्राइव है वहीं पे इंस्टॉल होते जा रहा है। ये पार्टीशन दिख रहा है ना, DRT809F, ये फिर से ऐसा प्रोसेस में चलता रहेगा। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। देखिए ये भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसके बाद जो फाइनल पार्ट है, तीन नंबर पार्ट है, इसको फिर से इंस्टॉल करना है। ये जो हो रहा है ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है पहले, क्योंकि ये रियर फाइल के अंदर था। ये ओके, ये इंस्टॉल, ये भी सेम प्रोसीड्योर में इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद वो अपने आप प्रोग्रामर के जो विंडो है उसके ड्राइवर के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका। तो अभी इसमें और कुछ काम नहीं है, हम लोग को पहले ये देख लेना है, ये जो डी ड्राइव में, ये डी ड्राइव में RT809F का जो प्रोग्रामर इंस्टॉल हुआ था, इसको खोलना है, एक बार देखना है। ये RT809F है, इसको खोलना है। और देखिए यहीं पे सब ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है, जैसे यहीं पे दिख रहा है सिक्योर CRT, और यहीं पे दिख रहा है HXT, मतलब जो हेक्स एडिटर है, ये सब इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर। तो अभी देखना है प्रोग्रामर का जो विंडो है उसमें ऐड हुआ है कि नहीं। ये एफ है, एप्लीकेशन है, इसको खोलना है दोबारा। और खोलने के बाद यहीं पे ओके करना है, यस करना है। तो ये टूल चेन है, ये इसमें अभी प्रोग्रामर लगा नहीं है, इसलिए इसको एबॉर्ट करना है। तो ये टूल चेन खोलिए। अभी देखिए इसमें जो जितना ब्लैंक था अभी सब आ गया है, देखिए एक एक करके। ये हाई टूल है, हाई सिलिकॉन बोर्ड का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है ये। और ये जो HXD हेक्स एडिटर है, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकते हैं। और ये सिक्योर CRT है, जिससे हम लोग एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड का सॉफ्टवेयर रीड कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग कभी राइट नहीं कर सकते। राइट करने के लिए RT809H ही चाहिए, एप से हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं।
और सीक्यू सीआरटी से हम लोग बहुत कुछ सॉल्वेशन भी कर सकते हैं। इसका कंसोल मोड में जाके इस बोर्ड का पूरा हम लोग डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो अभी सीक्यू सीआरटी हुआ है, ये है डिवाइस मैनेजर, इसका भी ज़रूरत पड़ता है क्योंकि ये सीक्यू सीआरटी मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये सीक्यू सीआरटी ओपन होने के बाद ऐसा एक विंडो आता है जहाँ पे ये सीरियल जो कम्युनिकेशन है ये पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है ये अनेबल टू ओपन सीरियल कॉम पोर्ट फोर दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड दिस फाइल स्पेसिफाइड, क्योंकि इसमें अभी प्रोग्रामर भी लगा हुआ नहीं है और कुछ डिवाइस भी लगा हुआ नहीं है। मैंने अभी ये प्रोग्रामर को कनेक्ट किया है और यहीं पे फिर से मैं दिखा रहा हूँ ये सिक्योर सीआरटी। उससे पहले एक बार हम लोगों को कन्फर्म हो लेना, मैं दिखाऊंगा। यदि कनेक्ट हुआ अभी देखिए सीरियल कॉम फोर ये सीरियल कितना पोर्ट पे है ये चेक करना है। ये चेक करने का तरीका क्या है, ये जो कम्युनिकेट हो गया है तो यहीं पे लेफ्ट साइड में देखिए टिक दिखा रहा है, यहीं पे देखिए ये टिक दिखा रहा है, मतलब ये कम्युनिकेट हो गया है। तो अभी इसको बंद कर रहा हूँ। यहीं पे देखिए इसके नीचे जो दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, इसको सीधा यहीं से क्लिक करना है और यहीं पे आके जो ये पोर्ट दिख रहा है पोर्ट को डबल क्लिक करना है। तो हम लोग अभी यहीं पे देख पा रहा है ये कॉम फोर लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से हम लोगों को पोर्ट सिलेक्ट करना है। ऐसे ऐसे करके हम लोगों को यहीं पे देखिए बहुत कुछ इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है, ये टीम व्यूअर भी है इसमें। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर से ये हम लोग बैक जा सकते हैं नॉर्मल विंडो पे और बाकी प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं इसका वर्किंग के बारे में, जो मेरा पिछले वीडियो में भी दिया हुआ है ये ऐप कैसे यूज करना है। तो मैं अभी आज टूल चेन के बारे में पूरा प्रोसेस मैंने दिखा दी है। तो शायद ये वीडियो आप लोग को पसंद में आएगा और कुछ अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो में मेरा नंबर दे दूंगा, आप लोग उसमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।